according. What is important is the number of links for Google to rank a web page higher. It is important that the website should have a lot of links because it is a website. So what if we see a web, the spider web, if you see the images, see these are the images of web. So if we see the characteristic, these are all connected to all the lines are connected to the other lines in this web, and we can reach from any point to any point. This is the characteristic of a web. That is what Google also wants for a website, that all the pages should be properly linked with each other. Then the website should point to the other websites of the world. Then it should also get at the other websites of the world should also point to this, to your website. Jitna zyada links hoga, utna zyada important ho jayega Google ke liye ye website, aur isko rank hone mein ye help karega. Ab hum log external link, jo internal link to hamare control mein hota hai, to internal link hum log create kar sakte hain. Aur Google ke liye acha hota hai ye ke website ke andar jitne bhi pages bane hue hain, कोई पेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो लिंक्ड नहीं है. उसका लिंकिंग हमेशा रहना चाहिए, इसलिए कि जब गूगल स्क्रॉल करता है और हमारे वेबसाइट को पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसको जितने पेजेस है वहां तक वो तभी पहुंच पाएगा जब उसको होम पेज से बाकी पेजेस पे पहुंचने का लिंक कहीं ना कहीं मिल रहा होगा. अगर कोई ऐसा पेज मिलता है गूगल को वेबसाइट के अंदर जो किसी दूसरे पेज से लिंक नहीं है, तो गूगल उसको समझ नहीं पाता है कि ये इंफॉर्मेशन कब दिखाना है यूजर को. इसलिए वैसे पेजेस के मिलते ही गूगल हमारा रैंक वेबसाइट का नीचे कर देता है. इसलिए एज अ वेब डिजाइनर ये इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए कि हम लोग कोई भी पेज अगर बना रहे हैं, वेबसाइट पे डाल रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली हम लोग लिंक करें. नंबर वन, इंटरनल लिंक्स क्रिएट करना हमारे कंट्रोल में होता है. जितना इंटरनल लिंक्स हम लोग क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं. ऑल द पेजेस को प्रॉपर्ली हम लोग लिंक क्रिएट कर दें जितना उतना बेहतर होता है. दूसरा चीज होता है एक्सटर्नल लिंक. हमारा वेबसाइट दूसरे वेबसाइट्स को कितना पॉइंट कर रहा है. तो अगर किसी भी हम लोग वेबसाइट को देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक सैम्पल के लिए हम लोगों ने अपना वेबसाइट का पेज खोला था, या यहाँ से हम लोग खोल लेते हैं वेबसाइट डिजाइन पेज. तो हम लोग यहाँ पर कुछ सैंपल वेबसाइट्स का दिखा रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग जो ये हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं अब प्रीवियस वर्क में, ये पॉइंट कर रहा है एक दूसरे कंपनी के वेबसाइट को. सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये पॉइंट कर रहे हैं किसी और वेबसाइट को. अगर क्लाइंट्स पेज में हम लोग जाएंगे, क्लाइंट्स पेज में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो हम लोगों के क्लाइंट्स हैं, ये सब पॉइंट हो रहा होगा किसी ना किसी दूसरे बाहर के वेबसाइट को. तो ये सब हमारे कंट्रोल का है, इसको हम लोग पॉइंट करा सकते हैं और इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं. तो ये एक्सटर्नल हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए विल हैव टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज और वेज कैसे हम लोग अपने वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके साथ साथ हमारा जितना सोशल मीडिया पेजेस होता है, जैसे यूट्यूब चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, फेसबुक का पेज होगा, लिंक्डइन का पेज होगा, उन सबको भी हम लोग जो लिंक करते हैं, तो दिस आर ऑल्सो द एक्सटर्नल लिंक. अब इस ये लिंक्डइन का एक पेज है, इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ से हम लोग लिंक्डइन के पेज पे जा रहे हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा एक्सटर्नल लिंक का. अब इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि इंटरनल लिंक तो सबसे आसान है क्रिएट करना, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल लिंक भी बना सकते हैं. वेज जिससे हमारा
वेबसाइट बाहर के वर्ल्ड को कितना पॉइंट कर रहा है. थर्ड लिंक विच इज अ बिट चैलेंजिंग इज द बैक लिंक. बैक लिंक वो होता है जो दूसरे वेबसाइट्स, दूसरे लोग हमारे वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं. तो दूसरे लोग हमारे वेबसाइट को क्यों पॉइंट करेंगे, उसके लिए कुछ रीजंस होना पड़ेगा, कुछ कारण बताना पड़ेगा. तो हम लोग उसको देखते हैं कि दूसरी जगह से कहाँ कहाँ से हम लोग अपने वेबसाइट को लिंक करा सकते हैं. लेकिन दूसरी जगह से जब हम लोग अपने वेबसाइट को लिंक करते हैं तो वहां पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं हम लोग डोमेन अथॉरिटी. फॉर बैक लिंक द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज डोमेन अथॉरिटी. What is this domain authority? It is a number between 1 and 100 given by Moz. According to the different parameters of the website, website kitna purana hai, age is number one factor. Jo agar koi website aaj ban raha hai, आज उसका डोमेन लिया गया है, उसको कितना भी अच्छा हम लोग 2-3 दिन में उसके लिए एसईओ का काम करते हैं, बट उसका डोमेन अथॉरिटी 1 ही होगा और विद टाइम ही वो डोमेन अथॉरिटी आगे बढ़ता है. जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है डोमेन अथॉरिटी का वो होता है एज. गूगल ये मानता है कि जो वेबसाइट ज्यादा दिनों से चल रहा है इसका मतलब है कि वो एक बैलेंस्ड वेबसाइट है, उसके इंफॉर्मेशन को हम अपने यूजर को दे सकते हैं. ज्यादातर डोमेन जो नया डोमेन होता है वो 1 साल के बाद रिन्यू नहीं होता है. मतलब नया वेबसाइट जो बनता है 90% वेबसाइट नेक्स्ट ईयर रिन्यू नहीं होता है. इसलिए फर्स्ट ईयर तक उसका जो गूगल के लिए जो इंफॉर्मेशन उसमें आ रहा है वो बहुत गूगल उसको रिस्की मानता है कि हम अपने यूजर को एक ऐसे जगह पे ले जा रहे हैं जहां का इंफॉर्मेशन हो सकता है कि बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं हो. तो एज इज वन इम्पॉर्टेंट रीजन एंड मेजर रीजन. दूसरा इम्पॉर्टेंट रीजन होता है उस पे ट्रैफिक, ट्रैफिक कितना हो रहा है. अगर सपोज कीजिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का वेबसाइट है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं, तो वो 1000 स्टूडेंट और उसके गार्जियन ये कभी कभी उस कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करते हैं, और यूजुअली जब एग्जाम्स होता है या कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आता है तो स्टूडेंट ज्यादा विजिट करते हैं, रिजल्ट देखने के लिए विजिट करते हैं. लेकिन अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में यूजर्स कितने हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और हर समय उसको बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका डोमेन अथॉरिटी हाई हो जाएगा. एज इज वन फैक्टर, ट्रैफिक इज अनदर फैक्टर, और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि उसका क्रेडिबिलिटी क्या है. क्रेडिबिलिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बैकलिंक उसको कितना मिल रहा है. अगर कोई पुराना वेबसाइट होगा, रिलायबल वेबसाइट होगा, तो उसको बैकलिंक बहुत जगह से आ रहा होगा. सपोज कीजिए कि हम लोग बात करते हैं AICTE का. AICTE इज द टेक्निकल बॉडी जो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल कॉलेजेस को एफिलिएट करता है. तो AI जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट के कॉलेज हैं इंडिया के अंदर और मेनी कॉलेजेस आउटसाइड इंडिया, वो सब अपने वेबसाइट पे AICTE का लिंक देते हैं. तो कितने जगह से उसको पॉइंटिंग मिल रहा है, बैकलिंक मिल रहा है, बहुत ज्यादा जगह से मिल रहा है. तो AICTE का जो डोमेन अथॉरिटी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द बैक लिंक्स, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और उसका डोमेन अथॉरिटी हाई हो जाएगा. तो जब हम लोग बात करते हैं बैकलिंक की, तो हम लोगों को ये देखना होता है जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कि जहां से हमको बैकलिंक मिल रहा है वहां का डोमेन अथॉरिटी कितना है. अगर हमारे हमारे वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी से जहां से हम बैकलिंक ले रहे हैं उसका डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, तो वो गूगल रैंकिंग में हमको ज्यादा यूजफुल होता है. अगर कोई ऐसे डोमेन से हम बैकलिंक ले रहे हैं जिसको गूगल ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है या गूगल ने अभी उसके अथॉरिटी उसके
डोमेन को उतना अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड किया है तो वो हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए इससे बैकलिंक लेना नहीं है। बैकलिंक लेने के लिए हम लोगों को ये भी देखना होता है कि बैकलिंक कहाँ से मिल रहा है। अब अगर हम लोग डोमेन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ डोमेन अथॉरिटी, कि डोमेन अथॉरिटी है क्या। अब यहाँ देखिए, डोमेन अथॉरिटी ऑफ अ वेबसाइट डिस्क्राइब्स इट्स रेलेवेंस फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया और इंडस्ट्री। डोमेन अथॉरिटी इज अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप्ड बाय मॉज। दिस इज सर्च इंजन रैंकिंग अथॉरिटी है, रैंकिंग स्कोर है। दिस रेलेवेंस हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इट्स रैंकिंग बाय सर्च इंजन्स। इसका जो स्कोर होता है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सर्च इंजन के रैंकिंग पे। ट्राइंग टू असेस डोमेन अथॉरिटी थ्रू ऑटोमेटेड एनालिटिक एल्गोरिथम्स। तो दिस इज द डोमेन अथॉरिटी डेफिनेशन फ्रॉम द विकिपीडिया, और ये डेफिनेशन आपको कहीं से भी आप देखेंगे तो दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन। मॉज कंपनी जिसने डोमेन अथॉरिटी का टर्म सबसे पहले स्टार्ट किया था उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी? Domain authority is a search engine ranking score developed by Moz that predicts how likely a website is to rank in search engine result page. किसी आपके पेज पे कहाँ result का rank क्या होगा? Domain authority scores range from 1 to 100, with higher score corresponding to greater likelihood of ranking. Higher score, greater likelihood for ranking. Domain authority is based on data from Our Link Explorer Web Index, इनका एक इंडेक्स है जहां से वो अपना बनाते हैं कि किस वेबसाइट को कितना हम लोग डोमेन अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे। और ये डोमेन अथॉरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम लोग अपने वेबसाइट को बनाते हैं तो उसका डोमेन अथॉरिटी हाई करना चाहिए, और जहां से हमको बैकलिंक लेना है उसका डोमेन अथॉरिटी भी हाई होना चाहिए। सो आई टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स और उसके बाद फिर हम लोग इसी लिंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन।